कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान असम में हुए हिंसक हमले को लेकर नीमच के 40 भारत माता चौराहे पर जिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने में नीमच जिले के तमाम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांग्रेस इकट्ठा हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा न्याय यात्रा पर हमले करवा रही है। राहुल गांधी के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सद्भावना के साथ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे घबराकर भाजपा के इशारों पर यात्रा में हिंसक हमले करवाकर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का यह कृत्य लोकतंत्र के खिलाफ है, सरासर गलत और निंदनीय बताया है। बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से न्याय यात्रा प्रारंभ की गई थी और असम पहुंचते ही न्याय यात्रा पर हिंसक हमले की खबरें सामने आई है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर पूरे राज्य में पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नीमच में आयोजित धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश मित्तल, राकेश अहिर, मंगेश संगाई, महेश विरवाल, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, रंजित तवर, आशा सांभर, तरुण बाहेती, मनोहर अम्ब, कमल मित्तल, हारून कुरेशी, साबिर मसूदी, मुकेश पोरवाल, भगत वर्मा, रमेश कदम, इलियास कुरेशी, जावेद दुर्रानी, हिदायतुल्ला खान, इकबाल कुरेशी, बलवंत यादव, अमर सिंह जयंत आदि जन उपस्थित रहे। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से आम नागरिकों से सीधा संवाद हो रहा है। देश की ज्वलंत समस्याओं पे पब्लिक का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उस यात्रा को वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं जन समूह का अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश में जो अभी देश में सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री जी और अन्य नेता देश में ये चाहते हैं कि तानाशाही पूर्वक शासन करें और विपक्ष को बिल्कुल नष्ट कर दें, उसके लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का लगातार हनन कर रहे हैं। जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से अपनी निकाल रहे हैं तो उसमें उनको विचलित होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो उनका उद्देश्य है कि विपक्ष को ख़त्म करना, वो राहुल जी की जो यात्रा है उसके माध्यम से वो जो जन समर्थन मिल रहा है उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। जैन केन प्रकार उनके संगठनों के माध्यम से, उनकी सरकारों के माध्यम से यात्रा पे हमला कराया जा रहा है, यात्रा को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अति निंदनीय है। इसी मुद्दे को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस द्वारा यह एक सांकेतिक धरना दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि आम नागरिकों को इस बात से अवगत कराना है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है, इससे हमें सतर्क होकर इसको हटाना बहुत जरूरी है। ज्ञापन भी दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ हुई और आसाम में वो यात्रा का प्रवेश हुआ, तो आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपाइयों द्वारा आसाम में घुसने के पश्चात नौगांव तहसील में राहुल गांधी जी की यात्रा पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, इसके विरोध में आज पूरे भारत में हम लोग धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का हक किसी को नहीं है? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को समापन कर रहे हैं और कांग्रेस इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज ये धरना और प्रदर्शन कर रही है कि हमें बोलने का अधिकार दिया जाए। क्या विपक्ष को खत्म करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है? हम ये होने नहीं देंगे और हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे, इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।